आज मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ ये टॉपिक, बिकॉज जूम पे तुम लोगों को समझ में नहीं आया था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, स्टेशनरी, स्टेशनरी रुका हुआ। एंड इलेक्ट्रो वर्ड बना है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज पार्टिकल। तो जब भी कभी चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी होगा, रुका हुआ होगा, तो हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। तो इसके अंदर हमें पूरे चैप्टर में स्टडी करना है, चैप्टर वन एंड चैप्टर टू पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक से भरा हुआ है। तो सबसे पहले हमें समझना जरूरी है चार्जेस को। चार्ज होते हैं दो टाइप के, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। किसी भी बॉडी में अगर कोई चार्ज है तो या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या वो नेगेटिवली चार्ज होगा। अब यहाँ एक और वर्ड इम्पॉर्टेंट है कि न्यूट्रल का क्या मतलब होता है। अगर हम कभी न्यूट्रल शब्द बोलते हैं, फिटल न्यूट्रल, देन इसका ये मतलब नहीं कि उसके ऊपर चार्ज नहीं है। न्यूट्रल का मतलब ये है कि नेट चार्ज जीरो है, नेट चार्ज जीरो है। दैट नेट चार्ज मीन्स जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज भी है। तो ऐसे को हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। न्यूट्रल बॉडी का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि उस पर चार्जेस नहीं है। न्यूट्रल का मतलब ये है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज भी है। तो अभी हमें स्टडी करना है कि चार्ज आखिर क्रिएट कैसे होते हैं। तो चार्ज क्रिएट करने का हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड में हम लोग जो एक मेथड है पहला, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि वो है फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन के थ्रू। तो जो चार्ज फ्रिक्शन के थ्रू क्रिएट होते हैं उसका कोई एप्लीकेशन नहीं होता, क्योंकि इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट का नहीं है। दूसरी बात कि जो चार्ज फ्रिक्शन से क्रिएट होते हैं ऐसे चार्जेस की हमें मेजरमेंट करने के लिए कोई भी डिवाइस नहीं है। सो मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। जिसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है वैसी चीज़ों का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन का लोग ये तो एग्जांपल लेते हैं कि जब आप लोग कंघी में, बालों के अंदर कंघी करते हैं और फिर उसके बाद छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों को उठाने की कोशिश करते हैं तो वो उससे चिपक जाता है। इसका ये कारण है कि कंघी और बालों के बीच में फ्रिक्शन होता है। इस फ्रिक्शन के कारण कंघी के ऊपर कुछ चार्जेस इकट्ठा हो जाते हैं। मान लेते हैं कि कंघी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया, तो कंघी के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, तो बालों में जब कंघी को किया तो मान लिया कि कागज के पीसेस के ऊपर जो चार्ज आता है दैट इज पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों ही यहाँ पे चार्ज्ड बॉडी है, तो जिस वक्त कंघी के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो मौजूद है वो इस कागज के नजदीक जाएगा तो कागज के जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो सभी एक तरफ आ जाएंगे। और क्योंकि पहले कागज न्यूट्रल था, कागज के ऊपर न्यूट्रल था, तो कागज में पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट था। सारे पॉजिटिव एक तरफ और सारे नेगेटिव एक तरफ। अब अट्रैक्शन के कारण कागज का पॉजिटिव चार्ज कंघी के नेगेटिव के चार्ज के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब सारे कागज के पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएंगे, उस वक्त कागज में सिर्फ एक ही चार्ज बचेगा दैट इज नेगेटिव चार्ज, और कंघी के नेगेटिव चार्ज की वजह से उनके बीच में रिपल्शन होगा और कागज वापस गिर जाएगा। तो दिस इज द चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये आता है, डिसएडवांटेज, कि फ्रिक्शन से जो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं उसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। इस वजह से इसका कोई एप्लीकेशन ना होने की वजह से इसको ऑब्सोल्यूट कर दिया गया। और एक दूसरा मेथड आता है जिसको कहते हैं हम लोग एप्लीकेशन मेथड, एप्लीकेशन मेथड। इस मेथड के अंदर फर्दर दो प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू हम लोग चार्जेस को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें पहला प्रोसेस है नंबर वन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, एंड नंबर टू इज कॉल्ड, सो चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। कंडक्शन प्रोसेस का सिंपल सा मतलब है कि इस प्रोसेस के अंदर फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है और इंडक्शन के अंदर कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता। दोनों ही मेथड यूजफुल है क्योंकि इससे जो चार्ज प्रोड्यूस होगा दैट कैन बी मेजर्ड। वो मेजरमेंट कैसे पॉसिबल है हम वो आगे के लेक्चर्स में फिर बताएंगे। तो बात धीरे धीरे एक एक करके समझ लेते हैं। दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन का मतलब कि इनके बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा। तो ऐसे चार्जेस जो प्रोड्यूस होते हैं बाय द मीन्स ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट उनको कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो मान लीजिए, लेट सपोज कि हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल अमाउंट में है। आप उसके पास कोई रॉड लेके जाइए जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है,
पॉजिटिव चार्ज जैसे ही पास जाएगा तो सभी नेगेटिव को एक तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। याद रहे न्यूट्रल बॉडी है तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इक्वल अमाउंट में होता है, तो सभी नेगेटिव एक साथ आ गया और सभी पॉजिटिव दूर चला गया, क्योंकि फोर्सेस जो अट्रैक्शन होता है वो डिसलाइक जो अलग अलग चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। नाउ अब अगले प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेप में आप इसको फिजिकल कॉन्टैक्ट करवा दीजिए। जैसे ही ये फिजिकल कॉन्टैक्ट में आएगा, नेगेटिव चार्ज का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द न्यूट्रल बॉडी टू द रॉड। इस तरीके से एक पॉइंट आएगा जब नेगेटिव चार्जेस न्यूट्रल बॉडी के खत्म हो जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के अभी खत्म नहीं होंगे बिकॉज दिस इज हाईली चार्ज, बहुत ज़्यादा चार्ज है इसके ऊपर। अब आप रॉड को थोड़ा दूर कर दीजिए, पॉजिटिव चार्ज थोड़े से कम हो चुके हैं, अब इस न्यूट्रल बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा है। जैसे ही आप दूर करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन आता है कि जब भी हम चार्जिंग बाय कंडक्शन करते हैं तो जो चार्ज की आपके पास रॉड है वही चार्ज का आपके पास न्यू बॉडी हो जाता है, न्यूट्रल बॉडी। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन प्रोसेस। फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी की जरूरत पड़ती है, लेकिन इंडक्शन में ऐसी कोई खास बात नहीं है, हमें किसी भी फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं आखिर क्या प्रोसेस है इसको चार्ज करने का। तो हम सेम सिनेरियो लेते हैं पिछले केस की तरह। मान लो कि हमारा रॉड का जो चार्ज है दैट इज पॉजिटिव चार्ज, और हमारा जो बॉडी हमने लिया दैट इज अगेन न्यूट्रल। सो न्यूट्रल बॉडी देयर आर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर प्रेजेंट, तो सारे नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ जाएंगे एंड ऑल पॉजिटिव चार्ज आर अपोजिट साइड। यहाँ हम फिजिकल कॉन्टैक्ट करने से रिस्ट्रिक्टेड हैं, इसलिए हमें एक दूसरी चीज़ यहाँ करनी पड़ती है इंडक्शन प्रोसेस के अंदर, दैट इज कॉल्ड ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग का मतलब क्या है कि सिंपल बॉडी से एक वायर निकालना है और उस वायर को जाके ग्राउंड के अंदर हमें डाल देना है। अब यहाँ एक चीज़ गुड हमें देखना है, पॉइंट याद रखना आप लोग, कि अर्थ जो है एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, मीन्स ये कितने भी चार्जेस को इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस को एब्जॉर्ब कर सकता है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस को दे भी सकता है। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करता है और ये इलेक्ट्रॉन देता भी है। एक और चीज़ पॉइंट याद रखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज कभी भी मोशन नहीं करते, पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स कहलाते हैं मेटल कंडक्टर्स के अंदर, पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स जो कि रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। सो इसीलिए जब हमने ग्राउंडिंग किया तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अर्थ से कंडक्टर की तरफ आएंगे और इस तरह से यहाँ के सारे पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अब अर्थ इससे आगे इसके इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा बिकॉज इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। सो अब आपको करना क्या है कि ग्राउंडिंग को रिमूव कर देना है जैसे ही पॉजिटिव चार्ज खत्म हो। अब अपने रॉड को आप दूर ले जाइए, आप देखेंगे कि पूरे चार्ज पे नेगेटिव चार्ज पूरे कंडक्टर में फैल जाता है। इसका मतलब यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन आता है कि इंडक्शन प्रोसेस के अंदर आप जिसकी चार्ज का रॉड लेंगे उसके अपोजिट चार्ज का कंडक्टर बन जाएगा।